आपको। हेलो एवरीवन, आउट ऑफ द बॉक्स विद विक्रांत के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस खेती ब्लॉग में धनिया की खेती को दिखाने जा रहा हूँ। हमारे घर में लोग दादा परदादा जितने भी हैं उन्होंने खेती की शुरुआत करी थी और आज हम वो परंपरा को आगे लेके जा रहे हैं। हमारे पिताजी खेती करते हैं, मैं भी थोड़ा अपने पार्ट टाइम जॉब में खेती को शामिल करता हूँ और मुझे बड़ा ही आनंद आता है। तो आज मैं अपने प्रॉपर खेत में, मैंने बागीचा की खेती का वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था, बीन्स और मटर की, वो आपने देखा होगा। तो आज मैं आपको बड़े रूप में धनिया की खेती कैसे की जाती है वो मैं दिखा रहा हूँ। ये बगीचा, ये जो खेत है, ये पूरा धनिया का खेत है, देख सकते हैं आप। ये धनिया लगभग, इस धनिया को पूरी तरीके से उगाने में लगभग 50 दिनों का वक्त, 50 से 60 दिन मान के चलिए, 50 डेज मिनिमम लगता है एक धनिया को बिल्कुल अंकुरित होने से एक बड़े रूप में आने में। इसमें लगभग आपको 40-50 मिनिमम दिनों का एक रेंज होता है जिसमें ये पूरी तरीके से अपने आप को अच्छा कर लेते हैं। तो ये पहले मैं आपको धनिया दिखाता हूँ कि ये धनिया हम लोग खेतों से काटते हैं और ये जो औजार है इसको हम लोग खुरपी कहते हैं। इसको पहले सही तरीके से काटा जाता है और इसको हम लोग बंडल के फॉर्म में यूज करते हैं, यानी इनको बंडल के फॉर्म में हम लोग बनाते हैं और ये मार्केट में जा कर के जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो पके हुए पत्ते होते हैं इनको हम लोग साफ़ करते हैं खेत में, इनको बेचने से पहले इन पत्तों को साफ़ किया जाता है और इनको पूरी तरीके से एक बंडल के रूप में, आप देख सकते हैं इसको मिट्टी को झाड़ करके एक अरेंजमेंट के रूप में इनको इकट्ठा किया जाता है और लगभग बंडल बनाते हैं हम लोग। और ये बंडल ऑलमोस्ट लगभग मान के चले 150 ग्राम का ये बंडल बनता है, 150 ग्राम का ये बंडल आपको बनाया जाता है। और इसको हम लोग जो धान के जो पत्ते होते हैं इनका इस्तेमाल करते हैं हम लोग बिल्कुल ऑर्गेनिक के रूप में, क्योंकि इनमें कोई प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होता और इनको नॉर्मली इस तरीके से बंडल के रूप में हम लोग अरेंज कर देते हैं। और ये बंडल के रूप में अरेंज करके इस तरीके से एक छोटा छोटा बंडल, लगभग एक टोकरी जो होता है, हम लोग जिसको एक पूरा एक टोकरी बोलते हैं, इसमें ऑलमोस्ट 25 बंडल होते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। इस तरीके से बंडल हम लोग बनाते हैं और ये ऑलमोस्ट एक टोकरी जो होता है, ये पूरा टोकरी है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये टोकरी है, ये टोकरी, इस पूरे टोकरी को भर के हम लोग मार्केट लेके जाते हैं और इस टोकरी में लगभग 25 बंडल को इकट्ठा किया जाता है, इसको अरेंज किया जाता है। बड़े प्यारे तरीके से हम लोग इसको अरेंज करते हैं, इस तरीके से अरेंजमेंट की जाती है इनकी, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, छोटे रूप में मैं दिखा रहा हूँ आपको। इस तरीके से इनको अरेंज किया जाता है अभी इसमें और अरेंजमेंट होगी। लगभग मैंने इसमें 12-13 बंडल इसमें यूज किए हैं, लगभग ये 25 बंडल बनाए जाते हैं इस पूरे टोकरी में और इनको हम फिर मार्केट लेके जाते हैं। और मार्केट में अभी, क्योंकि ये सीजन पे डिपेंड करता है कि इसकी हमें क्या मजदूरी मिलेगी, इस धनिया की पूरी कॉस्टिंग क्या होगी। जनरली ये धनिया जब मैं इसको नवंबर दिसंबर में बेचता हूँ तो इसकी कॉस्टिंग 700-800 रुपये टोकरी होती है और जैसे जैसे समय बीतता है, गर्मी आने लगती है, तो ऑलमोस्ट मान के चलिए फरवरी और मार्च के महीने या जनवरी के महीने में इसकी कॉस्टिंग जितनी 800 की थी, अब ये 150 रुपये में बिकता है। अभी ये मार्केट में जाएगा ये धनिया, इसकी कॉस्टिंग सिर्फ 150 या 200 रुपये की होगी। तो समय समय की बात है, कभी इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, कभी इसकी कॉस्टिंग कम होती है। तो दोस्तों, ये छोटी सी ब्लॉग थी जिसको मैंने धनिया के बागीचे में दिखाया। देख सकते हैं आप, ये बागीचा पूरा धनिया से भरा पड़ा है और लगभग इसमें कहीं भी तो मान के चलिए 100 टोकरी धनिया ज़रूर होगा, 100 टोकरीज धनिया की यहाँ पे होंगी। देख सकते हैं आप, छोटे छोटे धनिया के पौधे हैं, बड़े खूबसूरत से हैं, बड़ा ही मज़ेदार है धनिया का पौधा। ओके, तो दोस्तों ये एक छोटा सा ब्लॉग धनिया के लिए था और ऐसे प्यारे प्यारे ब्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आप मुझे बताएं, क्योंकि एग्रीकल्चर मुझे पसंद है, तो एग्रीकल्चर में अगला कौन सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँ, ये कैसा रहा ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।